सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवान बसी। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 10 स्मॉल कैप और मिड कैप स्मॉल स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक्स बन चुके हैं और आने वाले साल में बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इस वीडियो का सोर्स है वो BSE.com से आया है और वहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो होल्ड करके रखते हैं बड़े, जो DII है उसका भी आपको मैं नाम बताना चाहूंगा, जो है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ये 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो अभी तक के जो उन्होंने ये 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स को होल्ड करके रखे हैं उसमें से कोई ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने 1000% तक के रिटर्न दे दिए हैं और अभी भी अगर उन्होंने जो अपने टेक्निकल एनालिसिस से बात करी है वो लोग भी बता रहे हैं कि अभी भी इसके अंदर अपसाइड बाकी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में उसके लिए मैं आपको एक नीचे लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पर आप जाके उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि क्या उस स्टॉक का आगे मूवमेंट रह सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 स्टॉक्स। तो हम देख सकते हैं आपको यहाँ पर HEG शो कर रहा होगा, ग्रेफाइट इंडिया, लाइन केमिकल्स, बॉम्बे डाइन, एक्सेल इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ ऐसे 10 स्टॉक्स हैं। यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न शो कर रहा होगा, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं जो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। HEG में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न ले रखा है LIC ने, 8.34% तक की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें जो होल्ड करके रखते हैं ये DII, तो यहाँ पर आपको शेयर्स भी होल्ड करके रख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस 10 स्टॉक्स को किस प्राइस पे इन्होंने बाय करा था। तो ये जो प्राइस बाइंग प्राइस है, इस बाइंग प्राइस पे इस कंपनीज को बाय करके रखा था LIC हाउसिंग फाइनेंस ने। अगर हम HEG की बात करें तो ये अभी कुल 3400 पे ट्रेड कर रहा है और अभी 3100 का इसका बाइंग प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी इसकी जो इनकी मार्केट प्राइस है वो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रही है, पर जिस प्राइस में इन्होंने बाय करके रखा है वो हमें शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें जनवरी 2017 पे, तो जनवरी 2017 का जो HEG का प्राइस था वो 150 का था। आप सोच नहीं सकते, 150 रुपए का शेयर जो यहाँ से 1-1.5 साल पहले था वो अब यहाँ पर 3500 रुपए का हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि आपने 1000% तक के रिटर्न दे दिए हैं। तो यहाँ पर आपको परसेंट शो कर रहा होगा ग्रेफाइट इंडिया, जो आपको शो कर रहा होगा 550% तक के इसने रिटर्न दिए। लाइन केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइन केमिकल्स ने भी इसमें 350% तक के रिटर्न दिए। आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे कम इसमें इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न रखा हुआ है। अगर हम बॉम्बे डाइन की बात करें तो बॉम्बे डाइन मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में सजेस्ट करा हुआ है, आज HEG भी आपको बहुत सी वीडियोस में मैंने सजेस्ट करा हुआ है कि आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। और इसमें भी इन्होंने 3.21% तक का स्टेक बाय करके रखा हुआ है बॉम्बे डाइन में, यानी कि 250% तक का रिटर्न दे चुकी है। अब ये तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए हैं जो आप खुद रीड कर सकते हैं कि क्या इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है और कितने रिटर्न ये दे चुकी है। अब हमारे लिए जो मेन बात समझने वाली ये है कि अब इसके लिए अपसाइड कितनी है, ये स्टॉक्स और कितना मोमेंटम दिखा सकते हैं। अगर हम इसे अब बाय करते हैं तो क्या ये और मोमेंटम दिखा सकते हैं कि अब ये मल्टीबैगर बन चुके हैं और अब ये कंसोलिडेशन जोन में चले गए हैं? तो नहीं। अभी जो इन्होंने, मैंने आपको अपने बताया था कि इन लोगों ने टेक्निकल एनालिस्ट से सारे स्टॉक्स की रिसर्च करवाई और वो दिखा रहे हैं कि इन सारे स्टॉक्स में जो ये 10 स्टॉक्स उनके जो पोर्टफोलियो में 350 स्टॉक्स हैं और उसमें से ये 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका जो टेक्निकल एनालिस्ट का जो इसका जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांग है और अभी भी इसमें अपसाइड्स बाकी हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि ये 10 स्टॉक्स के टारगेट क्या हो सकते हैं जो वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम टारगेट्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मैं टारगेट शो करना चाहूंगा।
आपको यहाँ पर एक साल के टारगेट्स मिल रहे हैं जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर आ सकते हैं। अगर हम एचईजी की बात करें तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5200 तक के इसमें टारगेट्स एक साल के अंदर आ सकते हैं। ग्रेफाइट इंडिया की बात करें तो 1150 तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने सलाह भी दिया अगर ये डिप नीचे गिरता है तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। तो आप गिरावट में से बाय करेंगे तो आपको ये और अच्छा रिटर्न दे सकती है, एवरेजिंग आप इसमें कर सकते हैं। बॉम्बे डाइंग की बात करें तो हमने देखा है कि दो तीन दिन से बॉम्बे डाइंग थोड़ा एक करेक्टिव जोन में चला गया है, तो अगर आपको ये डिप्स मिलता है तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं। तो ये मैं आपको स्टॉक जो बता रहा हूँ, ये 9 के 9 स्टॉक्स मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि आपको किस टाइम बाय करना चाहिए, क्या इसके एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल इन द 9 स्टॉक्स की मिल जाएगी। तो अगर आप एक्सेल इंडस्ट्रीज में जाएं तो हमें जो एक्सपेक्ट टारगेट आ रहा है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि 1900 का हमें इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी टारगेट 360 का, एनआईटी टेक्नोलॉजी 1300 तक का टारगेट, पंजाब अल्कलीस 59 का टारगेट, लक्ष्मी ऑटोमेटिक लूम 50 का टारगेट, और आपको यहाँ पर 50 का टारगेट शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 50 का एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आप उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको और ऊपर के लेवल इसमें एक्सपेक्ट हो सकते हैं। और अगर हम शालमिका वायर्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक क्रूशियल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 16 का, शायद ये अराउंड अभी 21-22 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो मैं आपको बाय करने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जो भी मैंने सोर्स के साथ शेयर करा है आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ सोर्स के थ्रू, तो वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो या अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, और अगर आपको इनमें बाइंग पोजीशन बनानी है तो एक बार आप अपने एनालिस्ट की सलाह के साथ इसमें बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए वो लेकर आने वाला हूँ पेड सर्विस, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उनके साथ नेक्स्ट वीडियो जो मैं आने वाली है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ये स्टॉक्स बाय करके चलिए, तो मंडे मार्केट के लिए जो भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ उसमें मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा। और अगर ये जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और बेल आइकन को नहीं दबाया तो अभी जरूर दबा दीजिए, जिससे वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ लाने वाला हूँ वो आप जरूर शेयर कर पाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ जो मैंने शेयर करी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मैं शिवांश बसी मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल आपसे। साइनिंग ऑफ।